नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिनभर क्या रहा। कोर्ट में पेश नहीं हुए मौलाना, 1 अप्रैल को अगली सुनवाई। बरेली दंगे से जुड़े चर्चित मामले में IMC अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसी के साथ ये मामला अब 11 दिनों के लिए टल गया है। ADG फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 अप्रैल की लगा दी है। सोमवार को पुलिस ने मौलाना के मोहल्ला सौदागरान में दरगाह आला हजरत के पास स्थित आवास पर NBW चस्पा कर दिया था। इस बीच जिला जज के न्यायालय में केस ट्रांसफर की अर्जी पर भी सुनवाई हुई थी। इसमें फैसले के लिए 21 मार्च की तारीख लगाई गई है। ट्रेन के आगे फेंकी गई छात्रा की बिगड़ी हालत, अस्पताल में भर्ती। सीबीगंज में बीते साल 10 अक्टूबर को गांव के रहने वाले विजय मौर्य ने नाबालिग छात्रा को छेड़छाड़ का विरोध करने पर ट्रेन के आगे फेंक दिया था, जिससे छात्रा के दोनों पैर और बायां हाथ कट गए थे। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया था। मामले में सीबीगंज थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कम्बोज, दरोगा नितिन शर्मा समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था और आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। 3 ऑपरेशन और 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद छात्रा की जान बच सकी थी। धीरे धीरे कुछ सुधार हुआ तो छात्रा ने इस बार 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी दी, लेकिन सोमवार रात को उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने छात्रा को रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। छात्रा के पैर में इंफेक्शन की बात कही जा रही है। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए हैं, जिनकी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। जाम से छुटकारा दिलाने को रोड पर उतरे कमिश्नर IG। महादेव सेतु शुरू होने से नवल्टी चौराहा पर जाम की समस्या खड़ी हो गई है। बीते कई दिनों से भीषण जाम लग रहा है, इसे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए मंगलवार को कमिश्नर सौम्य अग्रवाल, IG डॉक्टर राकेश सिंह, नगर आयुक्त निधि गुप्ता वस्त, SP ट्रैफिक शिवराज के साथ मौका मुआयना करने पहुंची। नया पुल बनने के बाद इस रूट पर बड़े ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर योजना तैयार की गई। तय हुआ कि नोवल्टी चौराहा पर लगे खंभों को किनारे करके रोड चौड़ी की जाएगी, जिससे जाम की समस्या का समाधान हो सके। आइए आपको दिखाते हैं कि इस दौरान कमिश्नर सौम्य अग्रवाल ने क्या जानकारी दी। यहाँ पर त्योहारों के दृष्टिगत और यहाँ पे जो नया पुल बना है उसमें जो जाम लग रहा है, उसके दृष्टिगत यहाँ पे पूरा मौके का दौरा किया गया है और जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक सुधार के लिए वो रणनीति बनाई जा रही है, जिससे कि लोगों को जाम से यही रणनीति बनाई जा रही है कि लोगों कैसे जाम में ना फंसना पड़े। कहीं कहीं पर दो शिफ्ट होने, कहीं पर सड़क उसी छोड़ी होती है तो उसी की व्यवस्था करेंगे। हाथ छोड़कर बाइक पर स्टंट करती लड़की का वीडियो वायरल। बाइक से खतरनाक स्टंट करने वाली एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें लड़की हाथ छोड़कर बाइक चलाती हुई दिख रही है। वीडियो में एक और शख्स स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो रामगंगानगर का है। इसमें लड़की बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रही है। भीम आर्मी से जुड़े सैम मैसी ने बरेली पुलिस और SP ट्रैफिक को X पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करी थी। इस पर बरेली पुलिस ने खतरनाक स्टंट करने व लापरवाही से वाहन चलाने पर मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव को लेकर CO ने फोर्स संग किया फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए CO फर्स्ट और थर्ड ने पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल के साथ कोतवाली, प्रेमनगर, बारादरी और इज्जतनगर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। होली पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, DM ने जारी किया आदेश। होली पर शराब और बियर की दुकानों के साथ बार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। DM रविंद्र कुमार ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जबकि 25 को रंग खेला जाएगा। आदेश में बताया कि 24 मार्च की रात 10 बजे से 25 मार्च की शाम 5 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बहेड़ी में खुलेआम स्मैक बेचने का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप। बहेड़ी में पुलिस की मिलीभगत से खुलेआम स्मैक बिक रही है। स्मैक बेचने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो बहेड़ी के शेर नगर कब्रिस्तान लाइन पार मोहम्मदपुर चौराहे का बताया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति तस्कर से स्मैक खरीदता हुआ दिख रहा है। इंस्पेक्टर बहेड़ी प्रवीण सोलंकी का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।